नमस्कार मित्रों, भूत भविष्य और वर्तमान काल के ज्ञान के लिए हमारे शास्त्रों में कई प्रकार की तंत्र साधनाएं हैं, जिनमें पिशाचनी साधनाएं और सात्विक रूप से तंत्र साधना के अंतर्गत पंचांगुली साधना भी है। पिशाचनी साधना साधक के अंत में उसका भविष्य बिगाड़ सकती है और बिना गुरु के देखरेख में की गई साधना से हानि होने की संभावना रहती है। हालांकि कई लोग इस साधना को सिद्ध करते हैं, क्योंकि पिशाचनी साधना सिद्ध करने से साधक को भूत भविष्य वर्तमान काल की हर प्रकार की जानकारी प्राप्त हो जाती है। सामने वाले का भविष्य, वर्तमान, भूतकाल तुरंत ही तत्क्षण मालूम पड़ जाता है। मगर यदि कोई शक्ति उपासक उस साधक के पास जाएगा तो वो उसका वृत्तांत नहीं सुना पाएगा। मान लीजिए आप देवी की पुस्तक में से देवी कवच का पाठ करके किसी ऐसे साधक के सामने जाइए और उसे अपना भूतकाल बताने को कहिए तो वह पिशाचनी उसे दूर से ही ज्ञान प्रदान करेगी या सही फल बता नहीं पाएगी। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में कई प्रकार के ऐसे विधान हैं। हालांकि पिशाचनी शक्तियाँ में कुछ सात्विक भी होती है, जिसके अंतर्गत तीन चार तरह की ये साधनाएं मानी जाती है और कुछ यक्षिणियाँ भी वार्ता फल प्रदान करती है। स्वप्न मातंगिनी, घंटाकर्णी यक्षिणी इत्यादि भी साधनाएं जो कि भूत भविष्य वर्तमान काल का बोध साधक को करवाती है। ऐसा साधक आपके जेब में कितने रुपए हैं वो तराश सकता है और हर प्रकार की जानकारी आपको बता सकता है। सात्विक रूप से तंत्र साधना के अंतर्गत पंचांगुली साधना भी आती है। ये साधना वैसे थोड़ी कठिन है, इसमें परिश्रम ज़्यादा करना पड़ता है, मगर इसका कोई प्रकार का दुष्प्रभाव साधक के ऊपर नहीं पड़ता है। और विशेष रूप से कई ज्योतिषी इस साधना को सिद्ध करते हैं और प्राचीन काल में, पुराने समय में कई ज्योतिषी और पंडित इस साधना को सिद्ध करते थे, क्योंकि उस समय में व्यक्ति लगन के साथ, मेहनत के साथ तपस्या, तप, स्वाध्याय किया करता था। आज के समय में अगर कोई साधक साधना लेता है तो मुश्किल से 100 में से 5% ऐसे लोग हैं जो पूर्ण रूप से सच्ची मेहनत करते हैं और लगन के साथ में, एकाग्रता के साथ में साधना करते हैं। बाकी लोग पूर्ण सही ढंग तौर तरीके से और कुछ न कुछ खामी उनकी साधना में रह जाती है, इस वजह से उनको सफलता प्राप्त नहीं होती। बाकी ये साधना बड़ी दिव्य और अलौकिक साधना है और अति ताकतवर तीक्ष्ण साधना पंचांगुली साधना को माना गया है। इसकी सिद्धि के पश्चात में व्यक्ति 2 किलोमीटर दूर से अगर कोई व्यक्ति आपसे मिलने आ रहा है तो तुरंत ही आपको भावना पैदा होगी और आपको मालूम पड़ जाएगा। समझ लीजिए कि यहाँ तक भी मालूम पड़ जाता है कि फलाना व्यक्ति फलाना जिला फलाना गांव से आ रहा है, सब कुछ मालूम पड़ जाता है। और जब वह व्यक्ति आपके सामने होता है, आपके सामने 2 फुट 5 फुट की दूरी पर, 10 फुट की दूरी पर अगर बैठा होता है तो उसके बारे में कई बातें, सारा वृत्तांत तक मालूम पड़ जाता है, उसकी आप बीती मालूम पड़ जाती है, उसके घर परिवार के बारे में मालूम पड़ जाता है, यहाँ तक कि उसके पड़ोसियों के बारे में भी मालूम पड़ जाता है। कई प्रकार की ऐसी साधनाएं भी होती है जिन्हें चेतक तंत्र कहा जाता है, जिसके अंतर्गत चेतक का वो मंत्र, इसमें कई प्रकार के चेतक होते हैं, मणिबद्ध चेतक होता है, इत्यादि चेतक होते हैं। तो ये है, इनके मंत्र सिद्ध करने के पश्चात जब इनकी सिद्धि होती है तो व्यक्ति को स्वप्नावस्था के दौरान मालूम पड़ता है और किसी 10 वर्ष से छोटे बालक या बालिका को सामने बिठा करके उसके पश्चात में उसके सामने दीपक प्रज्वलित किया जाता है और
मंत्र जप उच्चारण करके उस बच्चे को धूपित किया जाता है, धूप प्रदान की जाती है और उसे दीपक की लौ की तरफ देखने को बोला जाता है, जिससे कि उस बच्चे को उस व्यक्ति के मंत्र साधना के प्रभाव से उस दीपक के अंदर वो सब कुछ मालूम पड़ने लग जाता है, वो सब कुछ स्पष्ट रूप से अक्षर लिखा हुआ दिखने लगता है और वो सब कुछ पढ़ करके सुना देता है। और जैसा जैसा प्रश्न लोग उस बच्चे से पूछते जाते हैं तो उसका उत्तर उसे उस दीपक के अंदर प्राप्त होता है। कई लोग जल के बड़े गड़े के अंदर देख करके और इसका भी प्रयोग करते हैं, तो ऐसे अनेक प्रकार के चेतक तंत्र भी हमारे शास्त्रों में हैं। और कई प्रकार की ऐसी साधनाएं अघोर क्रियागत भी होती है, कुछ सात्विक भी होती है। तो मेरा मानना ये है कि सात्विक साधना ही व्यक्ति को करनी चाहिए। मेहनत अधिक लगती है मगर उससे किसी प्रकार का कोई हानि होने की संभावना नहीं रहती है और ऐसा साधक सब कुछ जान सकता है, सब कुछ जानकारी प्राप्त कर सकता है। पंचांगुली साधना सर्वश्रेष्ठ साधना है। इसमें मेहनत तो अधिक है, शुरुआती समय में साधक को मेहनत करनी पड़ सकती है। कई दफ़ा एक माह के बाद देखा गया है कि कम से कम 45 दिन तक साधना करनी साधक को पड़ती है, मगर उससे ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, फिर मंत्र सिद्ध हो ही जाता है। दशांश हवन करना हो तो कर सकते हैं, नहीं तो दशांश जप करके साधना संपूर्ण की जा सकती है। उसके पश्चात में 8-9 कन्याओं को भोजन करवाना चाहिए, जिससे कि मंत्र सिद्ध हो जाता है। पंचांगुली का मंत्र वैसे मैं पिछले वीडियो में दे चुका हूँ और ये रात्रिकालीन साधना है। साधना की सिद्धि होते होते कम से कम 10 या 15 दिन के भीतर ही साधक को अनुभव होने लगता है। स्वप्नावस्था के दौरान स्वयं का भूत भविष्य, पिछले जन्म में वो खुद क्या था और उसके अगले भविष्य में क्या होगा, ये सब कुछ उसको मालूम पड़ने लग जाता है। कई परिवार आस पड़ोस के लोगों के मन की बातें मालूम पड़ती है, उसके मित्रों के बारे में, उसके मित्र उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसकी पत्नी, उसका पिता, उसका पुत्र उसके बारे में क्या सोचता है, उसका शत्रु उसके बारे में क्या सोचता है, और सब कुछ ये वृतांत उस व्यक्ति को मालूम पड़ने लग जाता है, जिससे कि वह संकेत से समझ सकता है। और जब पूर्ण रूप से साधक को सिद्धि मिल जाती है तो देवी के दर्शन का भी सौभाग्य मिलता है। और जैसे भी व्यक्ति इस पंचांगुली के मंत्र को सिद्ध कर लेता है, साधना की सिद्धि जब व्यक्ति को मिल जाती है, तो उसका अनुमान ऐसे लगाया जा सकता है कि पूर्वाभास तुरंत व्यक्ति को मालूम पड़ जाता है और कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति के सामने बैठा हो, उस व्यक्ति का सारा वृतांत मालूम पड़ जाएगा, यानी कि उसके मन में क्या चल रहा है अभी तुरंत, वो भी देवी पंचांगुली की कृपा से साधक को सब कुछ मालूम पड़ जाता है। इसलिए साधना बड़ी ही ताकतवर है और तंत्र साधना है। इस साधना का वैसे तो कई प्रयोग है मगर जो इसका मंत्र है वह बड़ा चमत्कारी और लाभकारी है और अवश्य ही हर व्यक्ति को यह साधना सिद्ध करनी चाहिए, क्योंकि बड़ी ही अलौकिक और दिव्य साधना है। जगत का कल्याण करने वाले लोगों को ये साधना करनी चाहिए, जिससे कि वह दुखों का दुख दूर कर सके और लोगों का भला कर सके। इसका मंत्र पिछले वीडियो में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।